हे नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष, आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल। दोस्तों इस वीडियो में आज बताने वाला हूं कि Realme 3 Pro का मैं अनबॉक्सिंग करूंगा और साथ में सारे फीचर्स के बारे में बताऊंगा कि ये फोन आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। एक पॉजिटिवली रिव्यू रखना है और काफी दिन से आप देख रहे होंगे यूट्यूब पर अनबॉक्सिंग Realme 3 Pro का, बट आज के जो अनबॉक्सिंग है इसके बाद इस वीडियो को देखने के बाद आपको और किसी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा जो फोन की रिव्यू। तो चलिए वीडियो को ज्यादा टाइम लेते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Realme 3 Pro बॉक्स को ओपन करते हैं। मैंने ऑलरेडी इसका रैपर वगैरह निकाल दिया था, तो अब इस बॉक्स को धीरे धीरे ओपन करते हैं। यहाँ पे बॉक्स को साइड कर देते हैं और सबसे पहले जो निकल के आता है हम इसके अंदर देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, वेलकम टू Realme फैमिली। ठीक है, यहाँ पे Realme ये एक डब्बा है, शायद यहाँ पे सिम इजेक्टर जो है इसके अंदर रखा हुआ है। वेलकम टू Realme फैमिली और इसको निकालते लेट्स एम्ब्रेंस ए न्यू जर्नी। ओके, हम इसको बंद कर देते हैं और इसके अंदर से निकाल देते हैं कुछ रीडिंग डॉक्यूमेंट्स वगैरह, जो कि इसका फोन के बारे में, फोन के इम्पोर्टेंट गाइड्स बारे में, ये सब आप पढ़ लेना। और साथ में एक बढ़िया सा दे रखा है जो कि कैश कवर, ये काफी सॉफ्ट भी है और ये काफी बढ़िया है। इसको हम साइड कर देते हैं। अब सबसे पहले ये देखिए प्यारा सा फोन रखा हुआ है। इस फोन का जो स्पेसिफिकेशन है आपको 6GB 128GB वेरिएंट में मिला है। मैं सेकंड सेल में इसीलिए लिया क्योंकि फर्स्ट जो सेल है उसमें 128GB वाला आया ही नहीं था, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा लेट किया लेना। इसको हम फोन को थोड़ा साइड रखते हैं और इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है वोक जो कि चार्जर है, काफी बढ़िया और मस्त चार्जर है ये जो है। इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है 3.0 का टेक्नोलॉजी बेस्ड चार्जर है और ये जो इसके जो कैपेसिटी देखते हैं, कैपेसिटी जो इसके अंदर आता है 5 वोल्ट पर 4 एम्पियर का यहाँ पे आ जाता है और काफी फास्ट चार्जर है ये। आई थिंक 80 मिनट के अंदर अंदर आपके जो फोन है 4043 जो इसके अंदर 4000 समथिंग जो एमएच बैटरी है इसको वो चार्ज करा देता है। इसके साथ आपको देखने को मिलता है नॉर्मली जो यहाँ पे सी टाइप तो नहीं है या नॉर्मली जो है यूएसबी पोर्ट जो है इसके अंदर फास्ट चार्जिंग के लिए, काफी बढ़िया है। मतलब वायर भी ठीक ठाक है, काफी बढ़िया है। हम अगर इसके ऊपर थोड़ा बहुत गुंजाइश रख सकते हैं कि यार इसके अंदर सी टाइप का होना जरूरी था, बट नहीं हुआ तो कोई इशू नहीं है। फास्ट चार्जिंग दे रखा है, 80 मिनट के अंदर अंदर आपके फोन को पूरा चार्ज कर देगा। तो अब इस चीज को हम साइड कर देते हैं, अब ओपन कर देते हैं जो हमारा फोन है। इसको हल्के से रैपर ओपन करते हैं, रैपर में लपेटा हुआ है। इसको ओपन करते ही वाओ, ये देखिए इसका जो वेरिएंट है ये हल्का फुल्का जो पर्पल और ब्लैक शैडो टाइप का आ रहा है, काफी बढ़िया क्लैरिटी में है और अच्छा भी लगता है हाथ को। कभी अगर हाथ से ऐसे नॉर्मली वो में पकड़ो तो आई थिंक ना फिसले, फिर भी आपको कवर लगाना जरूरी है, क्या पता कभी भी गिर जाए, काफी बढ़िया चीज है। और आपको यहाँ पे रैपर को मैं इधर से हटा देता हूँ, बूट कर देते हैं, साथ ही इसके साथ हम बताते हैं। पावर ऑन कर देते हैं, Realme ऑन होने लगा है। अब साइड बताते हैं, इसके जो राइट साइड में यहाँ पर आपको पावर बटन देखने को मिल जाएगा और टॉप में आप जाओगे तो जो यहाँ पे सेकेंडरी माइक है इसके अंदर नॉइज कैंसलेशन के लिए रखा हुआ है। और आप राइट साइड में चले जाते हैं, यहाँ पे आपको वॉल्यूम अप एंड डाउन दिख जाता है और साथ में एक सिम इजेक्टर जो सिम ट्रे है इसके अंदर हम देखते हैं इसको ओपन करके इसके अंदर कितना सिम का स्पेस है या कोई डेडिकेटेड सिम का है कि नहीं। यहाँ पर हम देख लेते हैं इसके अंदर डेडिकेटेड सिम है कि नहीं। वाओ, इसके अंदर आप दो नैनो सिम यूज कर सकते हो और साथ में डेडिकेटेड माइक्रो एचडी, ठीक है, काफी बढ़िया है, आप मजे से यूज कर सकते हो। ये Xiaomi नहीं है जो कि आपको इस टाइप का परेशान क्रिएट करने पड़ेगा, तो मैं इसको यहां से रख लेता हूं। अब बटन की तरफ जाते हैं, यहां पर आपको देखने को मिलता है प्यारा सा आपका ऑडियो जैक और साथ में माइक है जो कि आपका वॉइस यहाँ पे करने के लिए, और साथ में यूएसबी पोर्ट है जो माइक्रो यूएसबी पोर्ट है और साथ में आपका स्पीकर है, स्पीकर ट्रे जो रखा हुआ है। अब इसके अंदर बैक साइड चले जाते हैं, यहाँ पे Realme का एक लोगो लिखा हुआ है काफी बढ़िया से, यानी सिल्वर कलर का लिखा हुआ है और ये जो ग्रेडिएंट जो कलर है इसके ऊपर वो बेस्ट किया है तो काफी मजा लगता है। जैसे आप थोड़ा सा सेट करते हो आप ऐसा लगता है शाइनिंग आता है। और यहाँ पे आपको डुअल कैमरा के फीचर्स देखने को मिलता है साथ में फ्लैश लाइट, और यहाँ पे आपको 16 और 5 मेगापिक्सल की कैमरा देखने को मिल जाता है।
साथ में आपको यहाँ पे प्राइमरी कैमरा सेंसर जो है सोनी का IMX 519 साथ में आपको एपर्चर F1.7 का देखने को मिल जाता है, और साथ में यहाँ पे एक बढ़िया सा पतला सा जो कि फिंगरप्रिंट दे रखा है सेंसर से। मैं इसके अंदर सिस्टम को ऑन कर देता हूँ। इसके अंदर मैंने सेटिंग कर लिया था ताकि थोड़ा ज्यादा टाइम ना लगे। तो यहाँ पे सबसे बढ़िया है यहाँ पे ऐप ड्रॉयर इस बार दे रखा है, जो Realme ने पिछले दिनों जो भी जितने सारे फोन यूज किया था उसके अंदर ऑन स्क्रीन दिया था, तो अब ऐप ड्रॉयर दे रखा है, ये काफी प्लस पॉइंट है। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है कई सारे फैसिलिटी, यानी कि सबसे बात करते हैं सेटिंग में चले जाते हैं हम। यहाँ पे सेटिंग में चले जाने के बाद आपको अबाउट फोन में जाते हैं। यहाँ पे देखिए कॉलर्स वर्सन जो है 6.0 है, और एंड्रॉइड वर्सन है 9.0 यहाँ पे वर्क करता है एंड्रॉइड 9 पाई। तो उम्मीद है आपको एंड्रॉइड क्यू इसके अंदर मिल जाएगा, क्योंकि कुछ दिन पहले एक फोटो मैंने देखा था न्यूज के इसके अंदर एंड्रॉइड क्यू बीटा का अपडेट मिला है। तो जो बीटा टेस्टिंग है आई थिंक उसके अंदर देखने को मिलेगा, हमें भी इसके ऊपर और भी रिसर्च करना है। तो ये एंड्रॉइड 9 पाई पे बेस करता है और 6 कलर OS में चलता है। और यहाँ पे आपको देखने को मिलता है डिवाइस के अंदर 99% अवेलेबल है 128 GB में। साथ में वर्सन जो है आपको नॉर्मली वो में देखने को मिल जाता है। कर्नल जो है 4.9.112 है, ये थोड़ा ज्यादा ब्राइटनेस है, मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ। चलो अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट, कुछ अपडेट आया हुआ है। मैं इसके अंदर सिम जब इंस्टॉल करूंगा तो एक अपडेट 200 something MB का एक अपडेट आया हुआ है, ये काफी बढ़िया है। अब इसके डिस्प्ले की बात करते हैं, ये 6.3 इंच का फुल HD+ डिस्प्ले है, और यहाँ पे स्मॉल वाटर ड्रॉप के साथ आता है इसका एक कैमरा जो लगा हुआ है, 25 MP का कैमरा है। प्रोसेसर जो आपको इसके अंदर मिल जाता है स्नैपड्रैगन 710 है, और ये काफी बेहतर स्पीड के साथ आपको देखने को मिल जाता है इस फोन के अंदर। और ये कलर OS 6 के अंदर चलता है, यानी कि उसके जो ऑपरेटिंग सिस्टम कलर्स का वो रन करता है, और काफी मजेदार है। इसके अंदर बहुत सारे फैसिलिटी है, बहुत कुछ एप्लीकेशन है। मैंने इसका कुछ बैकअप लिया था मेरा पुराना फोन का, तो इसके अंदर इतने सारे एप्लीकेशन आ चुका है। तो यहाँ पर कैमरा क्लैरिटी काफी जबरदस्त है, मैं अगर यहाँ पे एक छोटा सा झलक दिखाता हूँ, होल्ड करिए। कैमरा काफी बढ़िया है और बहुत सारा फीचर्स है, मैं इसके अलग अलग वीडियो बनाऊंगा, पर्टिकुलर में सारे एक ही वीडियो में नहीं बता पाएंगे। ये तो था एक अनबॉक्सिंग, साथ में छोटा सा रिव्यू भी दे दिया। कैमरा बोले तो झकास, एकदम झकास। मैं इसका और भी पार्ट वाइज पार्ट वीडियो बहुत सारा बना के लाऊंगा। चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखना है अगर Realme 3 Pro के बारे में आपको जानकारी चाहिए, यार ये फोन आपको अगर लेना चाहिए। ये हाईलाइटेड फोन है, यानी कि Redmi Note 7 Pro के बाद ये जो फोन आया है काफी जबरदस्त फोन है। इसके अंदर पबजी खेलेंगे, बहुत सारा गेम इसके अंदर रन करेंगे, बहुत सारे फैसिलिटी आएगा, बहुत सारे अपडेट के बारे में बताएंगे, A to Z इसके अंदर सब कुछ मैं बताऊंगा। तो बस ये था आज का वीडियो कैसा लगा, अनबॉक्सिंग आपको कैसा लगा, क्या इसके अंदर आप समझ पाए कि इस फोन को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो मेरे मानो तो आंख बंद करके ले सकते हो, या थोड़ा सा इंतजार करो, आने वाले दिन में और भी बहुत बड़े बड़े फोन आएगा। बट मेरे हिसाब से ये आपको
बढ़िया है। इसका रेंज जो है, इसका प्राइस जो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, आप वहां से देख सकते हो बाकी चीजें। तो बस मिलते हैं नए वीडियो साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड वंदे मातरम।